से बता रहे हैं वैसे ही कथा चल रही है। वैसे अगर वैसे बताएं तो भगवान कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था, चना श्रापित थे, इसलिए सुदामा ने भगवान कन्हैया के लिए चना को नहीं खाने दिया, खुद खा लिया, खुद गरीब हो गए। समझे? जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, और नहीं समझने वाले होंगे तो बिना तो कुछ बताओ ना समझ में आएगी। तब कहा भागवत में प्रमाण लाया भगवान कन्हैया ने श्राप दिया, लेकिन भागवत प्रश्नोत्तरी में अगर देखोगे, एक भागवत प्रश्नोत्तरी किताब आती है, उस किताब में देखोगे तो भगवान कन्हैया ने श्राप नहीं दिया है, लेकिन भागवत में दिखा रहे हैं श्राप दिया है। क्यों? कभी जो भी कवि होते हैं अपनी अपनी कल्पना करते हैं, जो भी लेखक होते हैं सब अपनी अपनी कल्पना करते हैं, तो भागवत के हिसाब से कथा बोल रही है, ठीक है ना। हाँ, सुदामा बोले हैं भैया। हाँ भैया। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भैया सुदामा। हाँ भैया। भैया क्या खाए रहुए? कचना भैया, मेरी ठंडक के मारे दांती कपकपाए रही है। सही बता भैया। हाँ भैया, मुझे ऐसी लग रही है कि तू झूठ बोल रहा हुआ। झूठ ना बोल रहे भैया, हम सही बोल रहे हैं। कन्हैया कहने लगे कि गुर से कपट, मित्र से चोरी, और क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। इधर सुदामा कहने लगे, भैया मैं खा तो कुछ नहीं रहा हूँ, मेरी ठंड की वजह से दांती कप रही है भैया। उसी समय आज सुदामा पर दिन दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, और सुदामा घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। सुदामा बन गए हो तो आए जाए।